गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज सैटरडे ऐसे स्टार्ट हो रहा है मेरा, घर पे हूँ, सब क्लास कैंसल्स हो गई है। ऑलमोस्ट 2 वीक से ऐसे ही चल रहा है, ऑन ऑफ चल रहा है। स्टूडेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं, कोई जून से स्टार्ट करने वाला है, तो मेरे पास अच्छा मौका था मेरे घर को रिनोवेट करने का। सो सैटरडे में अभी मैं मेरा ब्रेकफास्ट रेडी करने जा रहा हूँ, उसके बाद बहुत सारे काम है। आज सैटरडे एकदम मस्त जाने वाला है। आप लोग को एक बात बता दूँ, इवनिंग में मुझे एक इवेंट में बुलाया गया है एज अ गेस्ट, एज अ स्पेशल गेस्ट, तो मुझे वो अटेंड करना है। इट्स अ फैशन शो। अभी फ़िलहाल तो आपको मैं मेरे घर का अपडेट दे दूँ कि क्या क्या काम मैंने करवाया है और क्या क्या करवाना है, और आज भी घर में काम होने वाला है। सो वो वर्कर्स आएंगे, एक्चुअली कारपेंटर आएगा, कारपेंटर आके मुझे 2-3 चीज़ें करवानी है। हियर वी गो। सो ये मैंने करवाया है, फॉल्स सीलिंग करवाई है मैंने पूरे में। फॉल्स सीलिंग के अंदर मैंने थर्मोकोल डाला है एंड ऐसे ये लाइट लगाई है। ये लाइट एक्चुअली 3 कलर्स में है। ये येलो हो गया, फॉर्म येलो, ऐसे 3 कलर्स हैं। अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। और यस, यहाँ पे भी बाहर भी मैंने फॉल सीलिंग करवा दिया। ओह, अभी कारपेंटर का वर्क होगा, जो ऊपर ये जो आप ये मालिया देख रहे हैं वहाँ पे स्लाइडिंग डलवानी है, यहाँ पे डोर डलवाना है। उसके बाद मंडे या ट्यूसडे में भी अभी बात चल रही है मेरी, उसके बाद मैं कलर का काम चालू कराऊंगा, उसके पूरे घर में कलर होगा एंड देन सॉर्टेड। फिर घर की साफ सफाई करके, और भी है आपको आगे बताऊंगा, घर पूरा रिनोवेट कर रहा हूँ, बहुत मज़े आया, बहुत मज़ा आएगा। बने रहिए तब तक के लिए, आगे देखिए होता है क्या। पपीता ना, पपीता अब्बा दा, ये सुतार का सामान। ये आपने ऊपर वो एल्युमिनियम की फ्रेम देखी होगी, वो उसकी फ्रेमिंग होगी स्लाइडिंग डोर के और ऊपर के माले के डोर की। उसके लिए ये शीट चूज़ किया मैंने। अभी वो आज वो पूरा कटिंग करेगा, देखेगा, और उसके बाद वो जो एल्युमिनियम की पट्टी है उसको एनोटाइजिंग के लिए भेजेगा, बिकॉज वो मुझे सिल्वर में नहीं चाहिए, थोड़ा कलर चेंज चाहिए। एक्चुअल में भी मुझे बाहर जाना था, थोड़ा बहुत मेरे लिए एक शर्ट या पैंट लेने के लिए, जो इवनिंग में इवेंट में जाना है उसके लिए, बट टाइम पे ये कारपेंटर आ गया, तो अभी मुझे वेट करना पड़ेगा। कोई नहीं, लंच भी नहीं किया है तब तक, ये प्लान खाता हूँ, बहुत जूसी है, मज़ा आता है। सी हर एक सीज़न में हर एक फ्रूट, मतलब जो सीज़न वाइज जो फ्रूट रहते हैं उसके खाने के मज़े अलग है। लड़के के साथ गेम खेल रहा हूँ, बीच का बंदर, चल जा जल्दी खेल जल्दी जा। ये दाल पकड़, ये ले ले, बॉल ले ले, बीच का बंदर। अभी मैं मसगांव में आया हूँ शॉपिंग करने के लिए, यहाँ से मैं शॉपिंग करूँगा ब्लूज से। बहुत टाइम के बाद मैं ये ब्लूज में आया हूँ, बहुत टाइम हो गया। अभी यहाँ से जो फंक्शन में मुझे जाना है इवेंट में, उसके लिए शॉपिंग करूँगा। एक ये मैंने ओलिव ग्रीन देखा हूँ, ये भी अच्छा लग रहा है, गुड। अभी से ये ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे कलर का शर्ट तो मेरे पास है, सिर्फ पैंट देख रहा हूँ कौन सा पैंट जाएगा। कभी भी कोई भी और एक इवेंट नज़दीक आता है, मेरा खर्चा करना चालू हो जाता है। और शॉपिंग कर ली है, ऑलिव ग्रीन शर्ट लिया मैंने। भाई की ड्रेसिंग हमेशा एकदम टिप टॉप रहनी चाहिए, मज़ा आएगा। शॉपिंग करके आया, देखा जो वर्कर्स थे वो अपना काम करके गए, और घर में पूरी तहस महस मची है।
आज सोने के वांदे होने वाले मेरे, सब एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे मुझे चाहिए था वैसे ही है फिटिंग। लग रहा है ना तुम्हारा भाई हीरो, आपको बताता हूँ मैं। देखो लग रहा हूँ ना एकदम मस्त। इग्नोर द बैकग्राउंड भाई लोग, अभी भी बोल रहा हूँ, आप सब जानते हो क्या हो रहा है क्या नहीं। टिप टॉप, क्या बोलती पब्लिक, लेट्स गो। ये है वो जगह मैनेजेड बाय ब्लैक रिलीजियस गैंग, शो ऑलरेडी चल रहा है। ये फैक्शन का इवेंट है जो मुझे इनवाइट किया गया है। सुधीर भाई नौकरी करूंगी नो कभी रुकिला झुकिला किसी के सामने बिकने वाला मैं कितने भी दाम में कितने को लगा मैं जो तेरी जो अंदरी पूरी वो खराब है ये कैसे ये मंदिर उठा दूं मैं सकता मैं जैसे ना कोई ये रात है हुई तो रात को खुद भी जानता मंजर ना मेरे को बात करो मैं गली रात कैसे ना वो जैसे बात कैसे ना बकरे थे वाला मुझे पता नहीं ये बेसिकली मैं बीट बॉक्सिंग कर रहा हूं मैं मानो अभी आपने देखा होगा मैं एक इवेंट में था, फैशन शो था, तो उसमें मुझे इनवाइट किया गया था एज ए गेस्ट। उसको अटेंड किया, बहुत लेट हो गया मेरा, दो घंटा आई थिंक 2-2.5 घंटा हो गया। मैं 9:30 बजे से आया था, अभी ऑलमोस्ट बज गए 12 और अभी दबा के भूख लगी है मुझे, बिकॉज दोपहर को भी बराबर लंच नहीं हुआ है। ये वाले रेस्टोरेंट में आया हूँ मैं पनीर लेने के लिए, पनीर टिक्का मसाला है। तो ये बार प्लस रेस्टोरेंट, बट ये मत समझना कि दारू पीने आया हूँ। देख लो भाई दारू मत देना, लेने आया हूँ पनीर टिक्का मसाला 12 बजे। और देखो क्या खा रहा हूँ, चकली और सेजवान। अब ये इतनी सी जगह मैंने बनाई है मेरे सोने के लिए, आई थिंक और 1-2 हफ्ते ऐसे ही निकालने पड़ेंगे मुझे। और यहाँ पे मैं मेरा व्लॉग ख़त्म करता हूँ, बहुत लेट हो गया आज, ऑलमोस्ट 1 से ज़्यादा बज गए। नाउ एक अच्छी गुड नाइट स्लीप चाहिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरा व्लॉग एंड तक देखा, थैंक यू। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद।